टीवी और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ, जो कि अपने वेब सीरीज गंदी बात 3 में अपनी बोल्ड सीन्स को लेकर काफ़ी खबरों में रही थीं। इस बोल्ड सीरीज के बाद उन्होंने कई और बोल्ड सीरीज में काम किया था, लेकिन गहना गंदी बात 3 को शुरू में नहीं करना चाह रही थी। वह इस सीरीज को बोल्ड सीन्स के कारण नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उन्हें मजबूरी में ये बोल्ड सीरीज करनी पड़ी। गहना ने इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया है। गहना ने गंदी बात 3 पर बातचीत करते हुए कहा कि मुझे गंदी बात 3 के लिए रात को कास्टिंग एजेंट नेहा का फोन आया और मैं इस सीरीज को करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। यह मेरा पहला बोल्ड शो था, इससे पहले मैंने कभी भी बोल्ड शो नहीं किया था, तो नेहा ने मुझे अगले दिन बुलाया और मैं इस शो को लेकर बहुत डर रही थी। नेहा ने मुझसे कहा कि परसों हम लोगों को इस शो के लिए निकलना है, लेकिन मैंने नेहा से कहा कि यह शो मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि यह काफ़ी बोल्ड है। ये लोग मेरे अपोजिट किसी बुजुर्ग आदमी को कास्ट करने वाले थे, तो फिर इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे लिए किसी यंग एक्टर को कास्ट कर देंगे, लेकिन मैंने कहा फिर भी नहीं हो पाएगा। गहना के मना करने के बावजूद कास्टिंग एजेंट नेहा ने उन्हें एक ऐसी बात बोली जिसके कारण मजबूरी में गहना को ये शो करना पड़ा। गहना ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि तो मैं यह बात चैनल पर बोल रही हूँ, नेहा तुमने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं यह शो नहीं करूँगी तो तुम मुझे कभी भी काम नहीं दोगी। नेहा मुझसे यही कहा था कि अगर मैं इस शो में काम नहीं करूँगी तो बालाजी में मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे गंदी बात 3 में काम करना पड़ा, वरना मैं इस शो को कभी नहीं करती। इसके अलावा गहना ने यह भी बताया कि जब फोन फिल्मों की मेकिंग को लेकर उनके घर पर मुंबई पुलिस ने रेड डाली थी, तब एक पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा था कि वे राज कुंद्रा पर रेप का झूठा केस लगा दें, लेकिन गहना ने ऐसा नहीं किया। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।